गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक नया दिन और एक नई शुरुआत। अब मैं पहुंच पहुंचे इस तरह के बस स्टैंड पे, यहाँ से मुझे बस लेनी है। मैं हिमांशु का वेट कर रहा हूँ, हिमांशु आएगा फिर यहाँ से डायरेक्ट बस मिलेगी बोटानिकल गार्डन में, तो वहीं से मिल जाएंगे। वरना फिर हमें यहाँ से सबसे पहले नहर पर जाना पड़ेगा। और यहाँ से मैं नहीं चाहता कि लेट हो, हमें अभी वेट नहीं करेंगे। हिमांशु थोड़ा लेट हो जाता है, उसका वेट करेंगे अगर बस आ गई तो सिर्फ बोटानिकल गार्डन। और नहीं है तो हम यहाँ से पहले नेहरू प्लेस जाएंगे, नेहरू प्लेस जाके वहाँ से एटे पकड़ेंगे। यहाँ से जो डायरेक्ट जाती है वो जाती है 493 यहाँ से सिक्स सराय से सीधा जाती है बोटानिकल गार्डन, ओखला बर्ड सेंचुरी होते हुए। तो अभी मैं हिमांशु का वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कितनी देर वेट करता हूँ। उसने कहा कि आ रहा हूँ बट आई नो लेट कराएगा। सो देखो बस स्टैंड का कुछ व्यू ऐसा। देख रहा है को इतना लेट आया, ऊपर से हंसता हुआ आ रहा है, मुंह चढ़ा लिया तूने। साढ़े इतना लेट क्यों करा तूने हरामी, इतना लेट क्यों करा तूने? दांत का दर्द कैसा है तेरा, है लगी पड़ी है? आया तो सही फाइनली ये भाई। पता तो क्या मानू, यहाँ पे एक लड़की आती है वो डेली आती है, इतनी खास नहीं है पर वो 434 नेहरू प्लेस चले। तो बस नहीं मिली 493 की वजह से, ताकि लेट ना हो जाए। इस टाइम जाने सीधा नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस से जाके बस का वेट करेंगे। वहाँ पर जाएगी एटे से सीधा पे जाएंगे हम सेक्टर 7 से, क्योंकि वो बोटानिकल गार्डन डायरेक्ट नहीं जाते हैं। मतलब कैसे बता फाइनली नेहरू प्लेस के अड्डे पे आ गए। हाँ, और एनके लोडे को फोटो खिंचवानी है यहाँ पे। बस नहीं आ रही, पेपर है अभी, पेपर है थोड़ी देर में, उसे फोटो खिंचवानी है। ये देखो गाइस नेहरू प्लेस का व्यू देखो, कितना प्यारा है। देख रहा मौसम देखो। अब यहाँ पे वेट करेंगे हम 8 का, फिर निकलेंगे सीधा सेक्टर 37 क्योंकि बोटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन डायरेक्ट नहीं जाते। चलो अभी मैं इसकी फोटो खींचूंगा, फिर मेरी फोटो खींचेगा। पहले मैं इससे अपनी फोटो खींचाता हूँ, इसका भरोसा नहीं है मेरी फोटो खींचा। देख लो भाई अभी जिम जा रहा ना, बॉडी नहीं है, देख ऐसी बात नहीं है, फर्क आ रहा भाई, फर्क आ रहा है। ठीक है भाई, तुम्हारा भाई जिम नहीं करता क्योंकि तुम्हारे भाई के पास जिग रहा है, जिम की ज़रूरत नहीं तुम्हारे भाई को, समझे? अगर तुम्हारे भाई जिग रहा है ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें जिम या बॉडी की ज़रूरत नहीं है भाई। एमी क्या ही है एमी, मैं तुम्हें बताऊँ, एक लड़का हमारे कॉलेज में, वो हड्डी सा है, वो कहते ना जैसे हड्डी, तो उसके ना कटिंग दिख जाता है। अब एक बार बताओ, हड्डी के शरीर में मांस नहीं है, क्या दिखेगा? वही दिखेगा, तो
पता नहीं उसको क्यों उतना चढ़ा रखा है, मेरे को तो बहुत चूतिया लगता है। कोई नहीं, अभी मैं फ़ोटो खींचता हूँ, फिर उसके बाद ये मेरी खींचेगा, फिर उसके बाद जाएंगे। चलो फोटो खींच रहे भाई के, चलो हिमांशु, तू भैया के लंड खाना चाहता है? और तू बोल देखे मेरा लंड खाना चाहता है, तेरा लंड मैं खा जाऊंगा तो स्वागत को मेरे को बुलाएगा फिर। ओए इसका लंड खा के तो स्वागत को मेरे को बुलाएगा फिर बीवी चोदने के लिए। भाई वो सब के लिए टाइम लगता है, रुक जा अभी तो 6 महीने रुक जा। और 6 महीने खर्च करना है मैंने 10,000 वो लूंगा ना, मतलब क्या लेगा क्या लेगा, प्रोटीन वगैरह लूंगा, प्रोटीन लेगा केले लेगा। कैसी बॉडी बनानी है तेरे को? फैट वाले मतलब शरीर में कुछ ढांचा रहेगा भाई। अच्छा लंड उसके जैसे लगूंगा, क्या नाम है ये बैन के लोड है, ऑर्गेनोलेप्टिक प्रॉपर्टी हो गया इसके अंदर, कलर ऑर्डर टेस्ट। इसकी बात की कोई वैल्यू नहीं बहन की लोड़ी, ये बॉडी बिल्डिंग की कह रहा ये ऑर्डर टेक्सचर बोटानिकल प्रॉपर्टीज आ गया सर। हां चलो बच्चों दे, हां अलग कान फाड़ दे बहन के लोड़े, मत पढ़ना यार कितना पड़ेगा। ये पेपर देने जा रहे हैं हम, हैंड की चूत ऐसे देंगे पेपर, फार्मेसी वाले हैं हम, लंड फार्मेसी है बहन की लोड़ी। 4 महीने कंडम बेचेगा, रुक जा 6 महीने का, रुक जा मुझे बोलने, 6 महीने का तो हमारा सिलेबस होता है बहन का लंड, 6 महीने का सिलेबस होता है, उसमें से 1 महीने की हमारी ट्रेनिंग लग जाती है। उसके अटेंडेंस भी नहीं लगती है, उसके बाद जो हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बाद 1 हफ्ते की हमारी वैसे छुट्टी निकल जाती है और 2 संडे निकल जाता है बहन के लंड। कितने दिन हो गए निकल के हमारे? 35-45 दिन हमारे निकल गए, 45 दिन निकल गए। 45 दिन निकलने के बाद बहन का लोड़ा कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाते हुए बच्चे नहीं आ रहे तो हमारी भी छुट्टी कटी, हमारी छुट्टी हो जाती है। फिर बहन के लोड़े टीचर कुछ ऐसे होते हैं बहन के लंड, कॉलेज ऐसा है बहन का लंड की 10 बार तो टीचर चेंज होती तो बहन का लोड़ा समझ नहीं आता, एक दूसरे में चलन चुदाई करके चेंज हो जाता है बहन का लोड़ा, ऐसे चेंज हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पेपरों की डेट आ जाती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसके हम जैसे बच्चों की बैग लगी रहती है बहन का, हम जैसे नहीं इसकी जैसी बैग के रिजल्ट बैग के पेपर देने लग जाते हैं। हाँ। फिर बहन का लंड बैग के पेपर देते 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 ये पेपर आ जाता है होसड़ी का, पढ़े किसका मादर चोर उस सब्जेक्ट का पढ़े, बड़े सब्जेक्ट का पढ़े। फिर बहन का लंड रात को ऐसी ऐसी करके आंखें ऐसी खोल खोल के पढ़ना पड़ता है, उसमें भी बहन की लोड़ी कुछ आता नहीं है। मा चोद बहन की लोड़ी सुबह के सब भूल जाता हूँ मैं, बहन चोद क्या फायदा इतना पढ़ के, बहन की लोड़ी क्या फायदा है, बुक लेके जा रहा है देखिए बहन का लोड़ा लिखा जाता लिखा जाता इसकी मुट्ठी मार मार के हाथ नहीं घिस रहा, इतने पेन लिख लिख के हाथ घिस गए इसके, बहन की चूत इसकी चूत। ओए आई लव यू मीना, बहन के लोड़ा मीना कौन है? थी मेरी एक्स। अच्छा चोद उसमें भी बहन चोद रट्टा मारते मारते हम भूल जाते हैं, या तो हमारा दिमाग एकदम सही सा हो कि हमारा भाई रट्टा हुआ है सुबह सुबह याद आ जाए। फिर बहन का लोड़ा हमें खुद हमने जो फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास से जो गाना मराई होती है उसमें औकात पता चलती है, बी फार्मेसी पंचनामा है ये बहन का लोड़ा, पंचभूता सनातन धर्म के होके जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम हनुमान जी जय श्री राम जय श्री बाबा। राम की नगरी है, राम की नगरी है, राम की पावन नगरी है, सनातन धर्म है, सनातन नियम भाई पता है, हमने इसे भी सनातनी बना दी, सनातनी बनाया। बोल जय श्री राम जय श्री राम।
तेरी चूची भी फाड़ा और चिल्ला बहन के लोड़े आईएमटी बहन के लोड़ा आईएमटी की माँ की चूत वो आईएमटी की टीशर्ट पहन रखी है उसने अभी से हम गलगोटेन बनाता है बोल गलगोटे जय हिंद याद रख ले बस याद रखना वन चलो भाई सेंट्रल का भाई पेपर देने के बाद कितना रिलीफ फील हो रहा है जिस पेपर के लिए पूरी रात पढ़ो और फिर उसके बाद सुबह लेके आओ तो भाई बड़ा रिलीफ फील हो रहा है कि जिस पेपर और वो पेपर अच्छा था तुम्हारा क्योंकि जो मैंने पढ़ा था जिससे रिलेटेड मैंने चीज़ें पढ़ी थी वो सारी सारी नहीं कह सकते ना 50% तो आई है तो जो मैंने पढ़ा था उसका 50% टू 60% तो आया था लास्ट ईयर के पेपर में से ही ज़्यादा पेपर आया था जितना मैंने पढ़ा था जो दो दो क्या आया था लास्ट ईयर का पंचभूति वाला आया था एसओपी वाला आया था एसओपी था भाई दो नंबर में था लास्ट क्वेश्चन था उसका ठीक है एसओपी था और वो आयुर्वेदा वाला भी था ये सब था भाई देखो 1:30 मेरा आराम को तो अभी हम हैं परी चौक पे परी चौक की बस में बैठ चुके हैं यहाँ से अब जाएंगे हम बोटानिकल गार्डन और यार एक चोट कर दी है मैंने कि मैंने एक बंदे का ना बैग लेके आ गया मैं वो वैन का लोड़ा तो आया नहीं पर उसका बैग मेरे साथ आ गया अब उसके बैग के लिए मेरे को परी चौक पे नहीं बोटैनिकल मेट्रो पे वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने उसे वैन का लोड़ा को कहा कि भाई चल ये बस जल्दी जा रही है बोटैनिकल पर नहीं उस वैन के लोड़ा को पता है कि उस बस में से क्या चला कि उस बस में वो गाड़ी स्टार्ट में बैठा हुआ है अभी मैंने उसे कॉल करके भाई दूसरी साइड पर छुपा लूँ और क्रॉस करके आ जाऊँ नहीं यही तो ऐसे दो दो मिनट का रास्ता है वो क्रॉस करके आ जाएगा पर नहीं वो वैन का लोड़ा बस में बैठा हुआ है अब वो मेरे को कह रहा है कि मेट्रो पे जाएगा मेट्रो पे मेरा वेट करिए वहाँ पे बैग दे दे मेरे को तो यार अब किसी बंदे का बैग लेके घर पर नहीं जा सकता मैं क्योंकि मैं तो बैग लेके आता ही हूँ यार पेपर देने के लिए बैग वैग की ज़रूरत नहीं है पेपर देने के लिए बस एक टेंट की ज़रूरत है बच्चे कितना पटका वो ज़रूरी है चाहे तुम कितना भी पढ़ लो बस वस में पढ़ोगे ये मेट्रो में पढ़ रहे कोई फ़ायदा नहीं है घर से पढ़ के नहीं आया ना तो कितना भी पढ़ लोगे बस में बैठ के मेट्रो में करके लंड कुछ नहीं पढ़ने वाला जो करना ना तो वो एक रात पहले ही करना पड़ता है मेट्रो में पढ़ते हुए दिखते ना तो वो सबसे बड़े चूतिया लगते हैं मेरे को पता नहीं मेरा दोस्त भी चूतिया है भैंस लोड़ी में पढ़ कर बट कोई नहीं क्या कह सकते हैं जैसे किसकी सोच चलो यार सफर का मज़ा लेते हैं थोड़ा फ़ोन को रखते हैं साइड में अभी बस आने में टाइम लगे बट स्टिल गर्मी थोड़ी ज़्यादा है यहाँ पे देख सकते हैं मैं दिखा दूँगा मैं ये देखो ये है परी चौक का गोल चक्कर चल तू अपने मेट्रो का वेट कर रहा है बाय 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 सी यू परसों मिलते हैं सी या कहाँ गए चूतिया और मेट्रो का वेट करता हूँ चलो भाई वेट करो आ रही है खड़े हो जाएंगे पे कहाँ जा रहा हूँ